बड़ी खबर आ रही राजस्थान से, जहां पर MiG-21 विमान क्रैश हुआ है। ये जानकारी मिल रही है, क्या खराब मौसम इसके पीछे वजह रही या तकनीकी खामी, अब इस पर आगे जांच होगी। लेकिन आपको बता दें, राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 क्रैश हुआ है। स्थानीय लोगों का एक जमावड़ा सा लग गया जैसे ही ये खबर आई। MiG-21 क्रैश की चपेट में आकर एक शख्स की मौत भी हुई है, ये भी खबर सामने आ रही है। शरद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। शरद, अर्पिता, ये हनुमानगढ़ के पीलीबंगा के पास बहलोल नगर में 10 बजे के आसपास की घटना है, जहां पर मिग फाइटर क्रैश हुआ है। क्रैश कैसे हुआ इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहां पर मौके पर विजय मीणा थानेदार मौजूद है। उन्होंने कहा कि हरा चारा ले जाने लाने एक औरत जा रही थी, जिसकी मृत्यु की सूचना है। गाँव के बिल्कुल आसपास में गिरा है विमान, बाल बाल बच गए हैं लोग, बड़ा हादसा होने से डल गया है। हालांकि एक की मौत की सूचना है, अभी भी पायलट सुरक्षित चेक कर गया है। गांव वालों ने उसे उठाकर और पुलिस को सौंपा और उपचार के लिए उसे नजदीक अस्पताल में ले जाया जा रहा है। किस वजह से ये घटना हुई पता नहीं चल पाया, लेकिन बड़ा हादसा एक चल गया है। हालांकि मिग फाइटर क्रैश हुआ है, बता जाए सूरजगढ़ एयरबेस पास में ये नियमित उड़ान पर ये फाइटर प्लेन था। शरद, जिस जगह पर ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ, क्या किसी के घर की छत थी वो, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं? ये इलाका कैसा था जहाँ पर क्रैश हुआ? देखिए, ये वहाँ पर बॉर्डर का इलाका है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास सूरजगढ़ एयरबेस है, वहाँ का इलाका है और वहाँ से नियमित उड़ान भरा था ये प्लेन। और 10 बजे के आसपास वजह तो पता नहीं लग पाई है, मगर कुछ विमान में तकनीकी खराबी आई ऐसा मानना है कि सभी पायलट ने इजेक्ट किया, पायलट ने खुद को सुरक्षित निकाला और प्लेन क्रैश किया है। प्लेन क्रैश गांव से, हालांकि पायलट ने उसे बाहर निकाल लिया था, फिर भी मगर हरा चारा लेकर जा रही थी ये बहलोल नगर, ये इलाका है वहां पर पीलीबंगा पर, वहां पर एक महिला की मौत की सूचना आ रही है। फिलहाल वहां पर आर्मी के जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, उसके बाद ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही पूरे मामले का पता चल पाएगा। पायलट सुरक्षित है, उसे इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। बिल्कुल, और जैसे हम देख रहे हैं शरद, स्थानीय लोग काफी नजर आ रहे हैं, क्या ये संख्या और भी बढ़ सकती है? जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ, ये कहा जा रहा है कि रिहायशी इलाका हो सकता है, आपने कहा कि उससे आगे निकाल लिया जरूर प्लेन को, लेकिन फिर भी क्या कोई बड़ा हादसा हो सकता था या अभी ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं? नहीं, देखिए, हादसा तो बड़ा हो सकता था क्योंकि गांव के पास में बिल्कुल गिरा है और आबादी इलाके में गिरा है, घर के पास गिरा है। अगर घर के आसपास घर पर गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था, मगर थोड़ा जहां मकान है मकान से बिल्कुल सटे हुए इलाके में गिरा है, तो बाल बाल गांव बच गया है। हालांकि एक की मौत की सूचना आ रही है, मगर इससे ज्यादा की मौत की सूचना या फिर घायल होने की सूचना अभी नहीं है। ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भीड़ लगी है क्योंकि आग की लपटें आने लगी और फिर जो पायलट इजेक्ट हुआ था उसे भी गाँव वालों ने घेर कर फिर उसे सुरक्षित पहुँचाया। तो आसपास का चूंकि आबादी का इलाका है इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ गए हैं। जो टुकड़े हैं विमान के मलबे हैं उन्हें बटोरा जा रहा है ताकि जांच के लिए आर्मी के अधिकारियों को सौंपा जाए। फिलहाल वहां पर इससे ज्यादा किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अभी शरद, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या वजह हो सकती है, भीड़ वहां पर काफी थी, हालांकि प्लेन क्रैश होने के बाद भीड़ दिखी होगी, लेकिन वजह क्रैश होने की क्या देख रहे हैं आप? क्या कोई तकनीकी खामी अभी प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है या मौसम की खराबी की वजह से? देखिए, एक बड़ी चुनौती है ये डिफेंस के लिए। पिछले दिनों ही ग्रोह को वापस किया गया तो ग्रोह के तरफ से कहा गया कि मेंटेनेंस की कमी की वजह से मिग इस इलाके में अक्सर क्रैश होते रहता है। अब वजह उसकी मेंटेनेंस रही या फिर अचानक से तापमान में बढ़ोतरी हुई या किसी तकनीकी खामी की वजह से हुई, क्योंकि पायलट जब इजेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसे समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई तकनीकी खामी आ गई है जिसकी वजह से वो इजेक्ट कर रहा है। और उसने कोशिश किया है कि गाँव के बाहर लेकर जाए, क्योंकि वो आबादी के इलाके में है, पूरा इलाका जहाँ पर ये नियमित उड़ान होता है, भारत पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ इलाका है जहाँ पर इस तरह की नियमित उड़ानें होती रहती हैं। तो हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई हो जिसकी वजह से ये घटना घटी हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पायलट की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया है, मगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही इस बारे में पूरा पता चल पाएगा। अभी
सेना के तरफ से कोई बयान आया नहीं है। सेना के बयान का भी हम इंतजार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में सेना का क्या कहना है। ठीक है, मंजीत भी हमारे साथ मौजूद है। मंजीत, कुल मिलाकर बड़ा सवाल बार बार ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये मेघ ऐसे क्यों हादसे के शिकार होते हैं, कई ऐसी खबरें आती हैं। देखिए, क्योंकि अब MiG-21 जो लड़ाकू विमान है वो फेज आउट हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्घटना हुई है और सुबह पाकिस्तान सरहद से जो स्ट्रेटेजिक एयरबेस है सूरतगढ़, वहां से एक ट्रेनिंग सॉर्टी के लिए उड़ान भरी थी MiG-29 पायलट ने और उसके 10 से 15 मिनट के अंदर ये दुर्घटना हुई है। पायलट इजेक्ट करने में कामयाब रहे और उसके बाद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। फिलहाल वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, उसके बाद ब्लैक बॉक्स रिकवर होने के बाद ये बात पता चल पाएगा कि असल दुर्घटना की वजह क्या रही है। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी भारतीय वायुसेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर दी गई है उसके मुताबिक एक ट्रेनिंग सॉर्टी के तहत सुबह करीब 9 बजे सूरतगढ़ जो एयरबेस है भारतीय वायुसेना का, वहां से उड़ान भरने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही जो MiG-21 विमान है वो दुर्घटना का शिकार हुआ है। ठीक है मजीद, आप नजर बनाए रखिए। तो MiG-21 क्रैश की घटना सामने आई है राजस्थान से, अब हालांकि ये देखा जा रहा है कि इसके पीछे की वजह क्या रही होगी।